हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स कवर कर लिए। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी एंथैल्पी टर्म के बारे में कि एंथैल्पी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। हमने लास्ट क्लास और भी कुछ बातें की थी, डेल्टा एच से पहले भी हमने कुछ पढ़ा था। हाँ, एंथैल्पी को डिफाइन करने में क्या पढ़ा था, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने डिस्कस किया था। हमने सीखा कि डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। उस इक्वेशन को शायद मैंने आपको यूज करना भी सिखा दिया था, ठीक है। फिर हमने बात की थी एंथैल्पी की, एंथैल्पी फंक्शन जो होता है एच, उसकी फॉर्म, उसको जो हम एंथैल्पी फंक्शन लिखते हैं वो क्या होता है, यू प्लस पी भी होता है। स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं ना, डेल्टा एच की वैल्यू। उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी जनरेट किया था, दैट वॉज एन सी पी डेल्टा टी, ठीक। फिर मैंने आपसे बात की थी कि हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये रिलेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये ना आपके आगे तक काम में आएगा। अभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, फिर आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से इसे पढ़े। हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। देखो इसके ना बहुत सारे फॉर्म्स बनते हैं, इसमें एक फॉर्म आएगा वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा बाकी फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो जेई में बदल बदल कर इनको यूज किया जाता है। इसलिए आप ध्यान से देखें और आपको क्या ना, मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा, आपको सिर्फ वो याद रखना है, उससे आप बाकी किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हो। बताओ हमने एंथैल्पी फंक्शन एच को कैसे डिफाइन किया था, बताओ मैथमेटिकल फॉर्म्स का। तो लिखते कैसे, एच इज इक्वल्स टू, कुछ लिखा था मैंने, एंथैल्पी फंक्शन क्या डिफाइन किया था, तो एंथैल्पी फंक्शन क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया, एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू प्लस पी डिफाइन किया था। लेकिन आपको एच में और यू रिलेशन नहीं ढूंढना है, आपको इसमें ढूंढना है डेल्टा एच और डेल्टा यू। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको आप लिखोगे डी एच, इसको आप लिखोगे डी यू और इसको आप लिखोगे डी ऑफ पी वी, ठीक। तो डी की जगह मैं डेल्टा यूज कर रहा हूँ, ये बन गया डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा डेल्टा यू प्लस ये क्या बनेगा डेल्टा पी इंटू वी। आपको ना सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन याद रखना चाहिए, क्या, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अभी देखो यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाई हमने, कोई कंडीशन, तो आपको इसको इसी फॉर्म में याद रखना चाहिए और फिर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई हो उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन नंबर वन, है ना, तो ऐसे वन नंबर डाल रहा हूं, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। बताओ जब प्रेशर कांस्टेंट होगा आप डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, जब प्रेशर कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल लोगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, P डेल्टा V, या फिर आप सिंपल इसको बोल सकते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा V की जगह आप क्या लिखोगे, V2 माइनस V1 लिखोगे। बोलो समझ में आ रहा है, सिंपल, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने प्रेशर को बाहर निकाल लिया। इसी तरह बताओ जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम को बाहर निकाल लोगे और किसको चेंज कर दोगे, प्रेशर को। तो अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग रिलेशन अपने आप बनते जाएंगे। सेकेंड, when volume is constant, the volume constant होगा तो relation क्या बन जाएगा हमारा, delta h is equals to delta u plus, बताओ ये क्या बनेगा, v delta, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये हम direct जो आ गया मैंने आपको differentiate करके दिखा दिया है, हो सकता है आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाए, कोई लोग वो निकाल दे इसमें कमी, तो आपको एक चीज सिखा दूं। पहले हम क्या करेंगे, इसको साइड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक। अगर आपको ओवरऑल चेंज निकालना है तो आप इसको क्या करोगे, देखो इंटीग्रेट करोगे, तो ये एक स्टेट फंक्शन है, जब आप एक स्टेट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको उसकी ओवरऑल वैल्यू में चेंज मिलता है। ऐसे ही ये भी एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू प्लस पीवी भी खुद क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा पीवी मिल जाएगा। तो यहां से आप यहां पर इस रास्ते से पहुंचते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको इसी फॉर्म में रख सकते हो, डी ऑफ पीवी,
और अब आप देखो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी बन जाएगा, है ना। तो टेंशन मत लेना, आप तो डायरेक्ट इस फॉर्म से इस फॉर्म में ट्रांजिशन करो और इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बोलो कोई डाउट? ठीक, चलो। तो पहला प्रेशर कांस्टेंट तो पी डेल्टा वी, दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या बन जाएगा, वी डेल्टा पी। इसी में हम थर्ड केस बना सकते हैं कि ना तो प्रेशर कांस्टेंट हो, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर चेंजिंग, प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजिंग, सही है। तो बताओ जब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस, अब प्रेशर भी बदल रहा है वॉल्यूम भी बदल रहा है तो पीवी की वैल्यू पूरी बदलेगी, तो डेल्टा पीवी ही हम यूज करेंगे पूरा का पूरा। मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीवी। हाँ वेरी गुड, आपसे क्या लिखोगे, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो आप खुद समझ रहे हो, या तो आप ये तीन अलग अलग फॉर्म्स याद रखो कंडीशन के साथ, या फिर आप एक सिंपल फॉर्म याद रखो और जो कंडीशन आपको दे दी जाए उसी कंडीशन को अप्लाई करके आप अपना रिलेशन यूज कर सकते हो। बोले यहां तक कहानी समझ में आती है? अब फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाला रिलेशन है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट वुड बी फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। कौन सी कंडीशन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। तो मैं सिंपल इसको बोल रहा हूं, फॉर गैसियस फेज रिएक्शंस, जिनके अंदर गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। जरूरी नहीं है सबके सब गैसेस हों, ठीक। तो इन जनरल देखो कोई भी जो रिएक्शन होती है आप उनको जनरली कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर कैरी करवाते हो। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर एक गैसियस फेज रिएक्शन ले लें, एन वन ए गैस चेंजेस टू सम एन टू बी गैस, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप देखो जब ए गैस बी गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर तो हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। बताओ इस रिएक्शन में क्या चीज बदल रही है, मोल्स, वेरी गुड। ए के एन वन मोल्स से बी के कितने मोल्स बन रहे हैं, एन टू मोल्स बन रहे हैं। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसियस फेज रिएक्शंस कैरी करवाई जाती हैं तो एक सब्सटेंस के मोल्स दूसरे मोल्स में कन्वर्ट होते हैं, मतलब रिएक्शन के दौरान मोल्स चेंज होते हैं। तो हम हमारे रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो बताओ हम डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। बोलो लिख सकते हैं क्या, मैं यहां पर पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी लिख सकता हूं फॉर गैसेस, है ना। अब आप ध्यान देना, हमने यहां पर पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी यूज किया है। बताओ पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, गैसेस के लिए। हम यहां पे सबका आइडल गैस बिहेवियर मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको रियल वेल का कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिंपल आप जब भी इसको यूज करोगे आप सबको आइडल गैस मानकर चलोगे जब तक उसने क्वेश्चन में खुद नहीं बोल दिया है कि एक रियल गैस है। समझ में आ रही बात? चलो अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। बताओ इस रिएक्शन में ये तो आर क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर पहले से कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इन दोनों को हम बाहर निकाल सकते हैं। बताओ जैसे हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, एन। बताओ मोल्स चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे ना। तो ये जो आपका रिलेशन है अल्टीमेटली एक सिंपल फॉर्म में आता है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर और टी बाहर, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा एन जी इंटू आर। तो मैं जी क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके मोल्स को कंसीडर करेंगे, गैसेस के मोल को कंसीडर करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करना है तो आप डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज कर सकते हो, ठीक। यहां पर आपको डेल्टा एन जी का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ डेल्टा एन जी किसके इक्वल होगा इस रिएक्शन में, N2 माइनस N1। बताओ N2 क्या है, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रादर आप इसे बोलोगे डेल्टा एन जी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से प्रोडक्ट कंसीडर करना है, गैस। अगर सॉलिड लिक्विड एक्वस है तो आप उसे कंसीडर नहीं करोगे। माइनस बताओ ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ये सेम चीज हम लोग 11th
खैर एक्चुअली क्या, मैं हम लोग यहाँ कोटा में इस टॉपिक को 12th क्लास में पढ़ाते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस टर्म को पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर ही आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। डेल्टा एन जी का सिग्निफिकेंस याद रखें और इस रिलेशन को याद रखें, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ही आपको कंसिडर करने हैं। समझ में आ रहा है? अपने को रटने क्वेश्चन ना करें, मैं सब पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आपको यूज करते करते अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन ये रिलेशन आपके ऑलमोस्ट 80% टाइम्स काम में आएगा, बाकी 20% टाइम्स आप बाकी रिलेशन को यूज किया करोगे। सही है? चलो, ये तो हो गया कहाँ पर, गैसियस फेज रिएक्शंस के लिए। कभी कभी क्या होता है, आपके पास एक सिंगल गैस होती है, वो गैस एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होती है, ठीक। तो आप देखो, मैं फिफ्थ कंडीशन बना रहा हूँ, फिफ्थ कंडीशन आप ही मुझे बता दोगे अपने आप ही। आप सपोज ये हमारा एक क्रिस्टल सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें गैस फिल्ड है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि यहां पर टेम्परेचर बदल रहा है। मान लो यहां पर मैंने इस गैस के 5 मोल्स रख दिए या n मोल्स रख दिए, ठीक। अब ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, तो क्या होगा, गैस का टेम्परेचर चेंज होगा। तो मान लो यहां पर गैस का टेम्परेचर बदल रहा है, T1 से कुछ T2 जा रहा है, ठीक। हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो मान लो आपने हीट किया, इस गैस का टेम्परेचर बदला, तो पिस्टन एक्सपैंड होगा, होगा। तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या चीज कॉन्स्टेंट रहेगी, प्रेशर तो मैंने कॉन्स्टेंट रखी रखा, उसके अलावा मोल्स पर क्या फर्क पड़ेगा, नहीं टेम्परेचर बदलेगा तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों बदलेंगे, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना, तो टेम्परेचर बदला तो पीवी की वैल्यू भी बदलेगी। अब आप एक को कांस्टेंट कर लो तो फिर सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा। तो हम तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, बताओ इस गैस का टेम्परेचर बदलने से क्या इसके मोल्स बदल जाएंगे, ये तो सिंगल गैस है ना, ये किसी और में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है। तो मैं इसको हीट दूं या हीट इससे बाहर निकालूं, तो गैस के मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पर सिंगल गैस हो, उसका एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा हो, उसका टेम्परेचर बदल रहा हो, लेकिन उसके मोल्स चेंज नहीं हो रहे हों, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। उस केस में देखो, व्हेन ओनली टेम्परेचर इज चेंजिंग, बहुत रेयर केस है, क्योंकि इसको हम फिर P1, V1, V2 से भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक, मतलब जब ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना टेम्परेचर कांस्टेंट, आप चाहते हैं में लिख भी सकते हो, ऑल P, V एंड T आर चेंजिंग, नहीं रख रहे हैं अपन, वो भी चेंज करवाएंगे, मतलब वो होगा तो फिर वो कंडीशन तो वहां पर आ चुकी ना पहले, फिर उसके लिए यहां आने की जरूरत अपने को है ही, ठीक। बट मोल्स आर कांस्टेंट, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन बन रही है, आप इसको सीखोगे आगे। तो उस केस में देखो, आप डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ठीक। तो एक रिलेशन तो यह बन जाएगा P2V2 - P1V1, जो हमने पहले ही पढ़ा था, लेकिन अगर उसने प्रेशर वॉल्यूम नहीं देखा, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज दिया है, तो देखो फिर आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी की जगह आप लिखोगे एनआरटी। अब देखो मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो बताओ ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। आ रही बात समझ में? तो ये तो बहुत रेयर है कि आपसे पूछ ले, बाय चांस आपको ऐसा मिल सकता है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको किसी भी टाइम यहां से बना सकते हो। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई हो उसको लगा के आप अपना रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, और सिंस ये अपने सबसे ज्यादा काम में आएगा, ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, इसके लिए आपको एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। अगेन यहां पे आपने रिलेशन लिखा है, वहां पर साफ साफ लिख देना, बिवेयर ऑफ यूनिट्स। क्यों? जब आप अभी क्वेश्चन करोगे तब अपने आप समझ जाओगे। तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन कि द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ 50 ml ऑफ इथाइलीन
विद 50 ml ऑफ H2 एट 1.5 atm प्रेशर इज इतना। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। सबसे तो आपको रिएक्शंस को खुद एनालाइज करना है, ठीक। सबसे तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, इथाइलिन क्या होता है, तो C2H4, ठीक है, गैस लिखना चाहो तो, ठीक है, प्लस आपने इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन गैस के साथ, और उससे क्या बनाएगा, C2H6 गैस, है ना, इथेन बना लेगा, सही है। चाहता हो यूं भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां मुझे गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, रिएक्शन करवाई गई है 1.5 एटीएम प्रेशर पर, तो इस रिएक्शन में प्रेशर तो क्या हो चुका है, कांस्टेंट। बताओ इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 50 ml, इसका वॉल्यूम भी कितना दिया हुआ है, 50 ml दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये 50 ml, ये 50 ml, आपको यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, और टेम्परेचर दिया नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन जो हो रही है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होगी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होता है, बताओ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब आप देखो यहां पर आपको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। कैसे, आप इनको मोल्स की तरह ट्रीट करो, मैं नहीं बोल रहा मोल्स ट्रीट करो, मोल्स की तरह ट्रीट करो, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाना होगा। बताओ ये और ये जब रिएक्ट करेंगे, इन दोनों में से कौन बचेगा, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी अलार नहीं है, क्योंकि दोनों स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है। इसके 1 mole के लिए 1 mole चाहिए, तो इसके 50 ml के लिए इसका 50 ml पूरा रिएक्ट कर जाएगा। बोले जी समझ में आ रही है। तो देखो ये भी खत्म हो गया जीरो, ये भी खत्म हो गया जीरो। बताओ इससे जो इथेन बनेगा वो भी कितना बनेगा, 50 ml ही बनेगा, क्योंकि 1 mole से 1 mole बनता है, तो 1 volume से 1 volume बनेगा, तो इसके 50 ml से ये भी कितना बनेगा, 50 ml ही बनेगा। बोलो यहां तक बात समझ में आती है। तो बताओ इस रिएक्शन में क्या बदल रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बदल रहा है ना, प्रेशर तो क्या है, कॉन्स्टेंट 1.5 atm। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी होता है। तो यहां से क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, तो प्रेशर को बाहर निकाल लो, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या बन गया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखनी है, वैल्यूज, तो रखो वैल्यूज। बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, -0.31 किलो जूल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है, प्लस बताओ डेल्टा पी प्रेशर कितना है, 1.5 इंटू, तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो फाइनल वॉल्यूम कितना, 50, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 100। बताओ 50 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -50। बताओ क्या हम ऐसे डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.31, 1.5 इंटू 50 कितना होगा, 75 को इधर भेज दो, कितना हो गया, +75, 75 upon 100। चलो ध्यान दो, जिन लोगों ने डायरेक्ट कर दिया वो तो डूब गए। सिर्फ ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको साथ में यूनिट से भी डील करना होगा, ठीक है। तो हमेशा यूनिट चेक करो। देखो मैंने किलो जूल लिखा था, वो तो मैंने ही गलती कर दी, मेरे को लिखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। पर अब आप ध्यान दो, अगर ये किलो जूल है तो या तो आप इसको जूल में बदल लो, ये जूल में, तो ये भी जूल में और ये भी जूल में, ठीक है। अभी आप देखो ये प्रेशर की यूनिट क्या लिखी है आपने यहां पर, प्रेशर दिया हुआ है एटीएम में, वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर्स में। तो पहले तो आप इसको बदलो एटीएम इंटू लीटर में, तो 50 ml को अगर मैं लीटर्स में बदलूं तो बताओ क्या करना पड़ेगा, 50 divided by 1000, और अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, एटीएम इंटू लीटर। बोलो समझ में आ रहा है, क्या आप एटीएम इंटू लीटर को जूल्स में बदल सकते हो, क्या करना पड़ेगा, इंटू 101.3 इतना जूल होता है, लेकिन ये जूल में, ये तो किलो जूल में है ना, तो इसको ही बदल दो किलो जूल में, तो 1000 से और डिवाइड कर, समझ में आया। तो ये 1000 इसके साथ जाएगा, तो 0.1013 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हटा के हम इसको लिख देते हैं इंटू 0.1013, सही है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो -0.31 किलो जूल इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, 75 upon 1000, ठीक। तो प्लस 0.075, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस साइन बाहर, इंटू 0.1013, ये भी हो गया किलो जूल,
अब इस टर्म को आप इधर भेज दो तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 0.31 प्लस 0.075 इंटू 0.1013। अब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी किलो जूल के अंदर। तो ये कितना आएगा ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, या मैं आपको कैलकुलेट करके वैल्यू बता देता हूं। तो देखो आप ये कैलकुलेट करोगे तो ले आएगी आपके पास माइनस 0.302 किलो जूल के आसपास, ठीक, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अपना पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, हमने कोई रिलेशन याद नहीं रखा, हमने सिर्फ याद रखा कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी होता है। फिर हमने क्वेश्चन में कंडीशंस देखी, क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को अप्लाई करके आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सही है, मूव करें अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आप पढ़ो अगला क्वेश्चन, फिर हम उसको साथ में डिस्कस करेंगे। मेरा पॉइंटर कहाँ है, दबा दो, चल ही ना होगा। चलो तो ये रहा आपका क्वेश्चन, थोड़ा इंतजार के बाद आया, चलो तो आप इसे ट्राई करो, आया तो इंतजार के बाद लेकिन वर्थ इट है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इसमें भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे, देखते हैं आपका आंसर सही आता है या फिर नहीं। हाँ, डेल्टा ई एंथैल्पी नहीं, डेल्टा ई इज इंटरनल एनर्जी। मैं बता था इंटरनल एनर्जी को यू और ई लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो कई क्वेश्चन में डेल्टा ई लिखा हुआ मिलेगा, कई क्वेश्चन में डेल्टा यू लिखा हुआ मिलेगा। चलो आप ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। क्लियर है, इसका आंसर आपका आना चाहिए 75.11 के आसपास, ठीक। इसका छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान दो, देखो कह रहा है व्हाट इज डेल्टा ई व्हेन 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर वेपराइजेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप पहले वाटर के वेपराइजेशन की रिएक्शन लिखो, H2O लिक्विड, बताओ वेपराइज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, H2O गैस में, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया उसने 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन, तो इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। और इसने डेल्टा एच दिया वेपरेशन ऑफ वाटर के लिए, ध्यान दो डेल्टा एच वेपरेशन कितना लिखा हुआ है, 40.66 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 40.66 किलो जूल पर मोल। बताओ यहां से इस यूनिट से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस यूनिट से मतलब क्या है कि अगर आप एक मोल वाटर को वेपराइज करो तो आपको जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा, 40.66 किलो जूल होगा। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी हम जनरली जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में लिखते हैं, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दें कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको दी हुई है कितनी, 40.66 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर आपको ये पर मोल के लिए दी हुई है तो बताओ आप यहां कितना वाटर वेपराइज कर रहे हो, 2 मोल। बताओ 2 मोल लिक्विड वाटर से गैस भी कितनी बनेगी, 2 मोल, ठीक। तो अगर 1 मोल के लिए डेल्टा एच 40.66 है तो बताओ इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, 40.66 इंटू 2 दैट इज 81.32 किलो जूल। सही है, कोई डाउट? बताओ यहां पर रिलेशन क्या यूज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, 2 मोल लिक्विड से क्या बन रही है, 2 मोल गैस। बताओ मोल्स बदल रहे हैं या फिर नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। ये 2 मोल लिक्विड वाटर था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, 2 मोल गैसियस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये गैस फेज रिएक्शन है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। भाई 2 मोल वाटर और 2 मोल स्टीम अलग अलग है, सब्सटांस ही बदल चुका है, इसका मतलब जब सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फेज रिएक्शन आ चुकी है, डेल्टा चिकल टू क्या लगेगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, 81.32 किलो जूल, प्लस या माइनस, बताओ या प्लस साइन के साथ लिखूं या माइनस साइन के साथ लिखूं, प्लस क्यों, हीट इज तो रिलीज्ड बाय सिस्टम तो माइनस होती है, कैसे पता लगा हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो वेपराइज हो रहा है तो
तो एब्जॉर्ब हुई हूँ ना भाई। इस रिएक्शन को देख के साफ साफ बताया, अगर आपको लिक्विड वाटर को गैस में बदलना है तो उसको हीट देनी पड़ेगी, उससे हीट रिलीज होगी, गर्म करना पड़ेगा ना उसको, तो गर्म करोगे तो हीट देनी पड़ेगी। मतलब डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। सब कुछ खुद डिसाइड करना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है आपको। डेल्टा यू तो आपने कैलकुलेट करना है, प्लस बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? पहले कॉफी पियो फिर इनो पियो। टू है ना, टू भाई। डेल्टा एन जी देखो क्या है, आप सिर्फ रिएक्शन को मत देखो, जब मोल्स इन्वॉल्व्ड है भाई, दो मोल लिक्विड से दो मोल गैस बन रहा है, तो जब आप डेल्टा एन जी निकालोगे तो गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो है ही नहीं क्योंकि तो लिक्विड है, तो कितना हो गया जीरो, तो टू माइनस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई टू। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा एन जी के लिए हो गई टू इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ 8.314। मैंने 8.314 क्यों लिया, क्योंकि ये जूल में है तो हमें आर की वैल्यू भी 8.314 लेनी होगी। इंटू बताओ टेम्परेचर कितना है 373, ये सब आएगा जूल में, हमें किसमें चाहिए किलो जूल में, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, आपको वैल्यू मिल जाएगी किलो जूल कितना आएगा, ये 2.3 आ जाएगा, नहीं यार ज्यादा आएगा, ये 0.373 टू इंटू 0.37 भी अगर मैं इसको ले लूँ तो यह आ जाएगा 0.74 के आसपास, 5 point something या 6 point something आना चाहिए। 6.21 आंसर से है, आंसर लिखा हुआ है तो आंसर से हिसाब लगा लेते हैं अपन, है ना 6.1 आ रहा है ना। 81.32 किलो जूल इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा यू प्लस 6.31 किलो जूल। तो यहां से आप डेल्टा यू की वैल्यू निकाल लो, 81.32 माइनस 6.31 ये 75.01 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको परेशान कर सकता है। इनमें क्या था, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिनका आपको ध्यान देना है। थर्मोडायनेमिक्स में एक तो यूनिट बड़ा फंसाएंगे आपको, और एक ये छोटी छोटी चीज़ें कि वन मोल के लिए दिया है तो आप यूनिट जरूर पढ़ें, जब भी आप पढ़ें उसी के हिसाब से काम लें। अगर उम्र से ही रिएक्शन देखो, इसमें एक और चीज़ हो सकती, अगर वो सिर्फ ये रिएक्शन लिखता ऐसे H2O लिक्विड चेंजेस टू H2O गैस, ऐसे बोलता इसका 2 मोल है और डेल्टा एच है 40.66, सिर्फ इतना बोल देता ये लिखने के बाद, तो फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता। ये अंडरस्टूड है कि वो खुद ही बता रहा है कि 2 मोल के लिए डेल्टा एच के लिए 40.66 है, लेकिन इसने क्या बोला कि डेल्टा एच 40.66 किलो जूल पर मोल है। या आप आगे चलकर पढ़ोगे थर्मोकेमिस्ट्री में कि एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन हमेशा पर मोल के लिए डिफाइंड होती है, इनकी यूनिट्स आपको हमेशा किलो जूल पर मोल मिलेगी और आपको उसी हिसाब से इनको डील करना होगा। सही है, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद देखो अपना थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैं इधर की चीज़ें उड़ा देता हूँ, ये तो हमने लिख ही लिया है। चलिए जरा सरसरी निगाहों से बड़ी मतलब है ना कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन पढ़ें, ट्राई करने की कोशिश करें। चलो तो देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा दम है नहीं, आपको इसको डायरेक्ट यूज़ करना है। देखो आपको इसका डेल्टा यू दिया है कितना, ये माइनस साइन है ना, माइनस 742.7 दिया, सेपरेट हो गया है, पॉइंट टू बी माइनस इधर आता साथ में माइनस लगा लेना। इसका आपको डेल्टा यू दिया हुआ है कितना, माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन दी हुई है आपको और डेल्टा एच निकालना, सिंपल है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा यू के लिए तो गई माइनस 742.7 किलो जूल प्लस। अब आप डेल्टा एन जी निकालो, तो देखो आप क्या किया करो, डेल्टा एन जी निकालो, लिक्विड और सॉलिड को तो पहले गायब कर दो, ये काउंट नहीं करना, ये काउंट नहीं करना, ये चेक कर लेना कि रिएक्शन बैलेंस्ड या नहीं है। कई बार खेल जाता है, आपको अनबैलेंस्ड रिएक्शन देगा, आप बिना देखे डेल्टा एन जी निकाल लोगे। तो देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 कार्बन 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 एंड 1 3 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, खेल गया ये आपसे, समझ रहे हो ना। तब आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की हो तो गलत हो गई क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि रिएक्शन बैलेंस्ड थी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा गेम खेल लेते हैं, तो यहां आएगा 3/2 इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। सही है,
अब आप निकालो इसकी डेल्टा एन जी की वैल्यू, 1 + 1 टू, तो प्रोडक्ट की वैल्यू 2 - 1.5, दैट इज कितना आ गया 0.5, हाफ आ गया। तो डेल्टा एन जी के लिए हाफ, बताओ आर के लिए क्या यूज करेंगे, वही 8.314 क्योंकि जूल्स में है। टेम्परेचर कितना है 298 डिवाइडेड बाय 1000, इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आता है वही आपका करेक्ट आंसर होगा और आपको डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आसान था, और देखो मैं आपको बताऊं सही में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटी सी गलती होती है जो आप क्वेश्चन में कर पाते हो, कर ही जाते हो, ठीक। तो ध्यान रखना जब भी आप ये क्वेश्चंस करो, एक बार चेक कर लेना कि आपकी रिएक्शन ठीक से बैलेंस्ड है या फिर नहीं है, कर लोगे इस चीज को। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इनके क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से डील करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो जी, तो हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो इसमें भी आप दिमाग लगाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा के जाएगा। चलो बहुत बढ़िया हुआ क्वेश्चन, नहीं हुआ चक्कर है, चक्कर क्या है, अब आपको देखो उसने सिर्फ कंपाउंड दे दिया, अब आपको रिएक्शन खुद लिखनी भी पड़ेगी, बैलेंस भी करनी पड़ेगी और फिजिकल स्टेट्स भी खुद ही लिखनी पड़ेगी। देखो बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये उसने खुद ही बोल दिया आपको कि सॉलिड है, ऑल्दो हमने कंबस्टन की एंथैल्पी में आगे चल के पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, पर इतना आप जानते हो कि अगर आप एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड को बर्न करो, कंबस्टन करवाओ, तो क्या क्या बनता है, तो कंबस्टन किसके साथ होता है, O2 गैस के साथ। बताओ क्या क्या बनता है, कंबस्टन के दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, एक CO2, तो CO2 तो गैस होती है, प्लस बचा वाटर। अब भैया जो वाटर है ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, हम कैसे डिसाइड करें ये क्या है, तो दिमाग चलाना पड़ेगा, चलाओ बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ 373 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर हमेशा क्या होगा, गैस, और नीचे हमेशा क्या होगा, समझे कितना है, 300 केल्विन। तो अभी वाटर कौन सी फेज में बनेगा, लिक्विड फेज में बनेगा, ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन मानकर चलते हो और वाटर को लिक्विड बनाओगे, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो खुद बताकर देता है, आप आगे सीखोगे भी, अभी मैंने नहीं दिया है तो मैंने इसीलिए नहीं दिया कि मैं आपको सिखा सकूं कि जब आपको वाटर की स्टेट नहीं पता है तो एक बार रिएक्शन का टेम्परेचर देखो, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो वो गैस लोगे, नीचे है तो आप लिक्विड लोगे, और कुछ नहीं दिया है तो आप रूम टेम्परेचर कंडीशन मानकर उसको लिक्विड ही मानोगे। अब आप कैसे रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, 6 and 1 7 carbon तो 7 CO2, 5 and 1 6 hydrogen तो 3 H2O, 7 2 14, 14 and 3 17, तो दो ऑक्सीजन तो ये रहे, ये कितना बन जाएगा 15/2, सही है, बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कह रहा है कि इसके लिए, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आप मुझे बताओ आपको क्या पता करना है और क्या दिया हुआ है, आपको डेल्टा एच निकालना है या डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू क्यों, हाँ सही बोल रहे हो। देखो मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी सिस्टम दो कंडीशंस पर हीट एक्सचेंज करता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज करता है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा एच, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा यू। तो आप देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फॉर द कंबस्टन ऑफ बेंजोइक एसिड एट 300 केल्विन एंड 180 एम, 180 एम रख दिया ना रिएक्शन का प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिलीज की कितनी, 300 किलो जूल। देखो हीट रिलीज की है, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी, लेजर नहीं निकलती मेरी आंखों से, है ना, तो यूं ठीक कर देता ऐसे कैसे, चलो -300 किलो जूल आएगा। निकालना क्या है आपको, हीट रिलीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपको इसके लिए कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको बेसिकली डेल्टा यू के लिए निकालनी है। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बताओ यहां से डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी।
अब बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, माइनस 300 किलो जूल। माइनस बताओ डेल्टा एन जी कितना, 7, ये 7.5, 7 माइनस 7.5 कितना हो गया, माइनस हाफ। इंटू आर की वैल्यू कितनी, 8.314। टेम्परेचर कितना, 300 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 1000 किलो जूल में आ गया। आ गया तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 300 प्लस ये 20 से 20 गए, ये बन गया 0.3, इसको 2 से उड़ा दो कितना हो जाएगा, 4.157 इंटू 0.3, तो कितना हो गया, 7 3 1 21 5 3 15 7 7 1 3 1 4 और 4 3 12, तो ये हो गया 1.2471 किलो जूल। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका पता 1.247 को 1.25 ही लिख देता हूँ, आपको आंसर कितना मिल जाएगा, -298.75 किलो जूल। सही है। तो एक और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसने आपको बहुत अच्छी चीज सिखाई, ये ना ये बड़ा सही तरीका होता है, चुपचाप से बोल के निकल जाओ, चुपचाप से सूम में निकल जाता है बोल के, क्या ये देखो चुपचाप से बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर, आप ढूंढते रहो पहले तो कि डेल्टा, जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या है, वो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको स्ट्रेस डाल के बहुत अच्छी तरह से बोला था याद रखने को, और आप हमेशा याद रखना, ये आपके हमेशा 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 काम में आएगी। क्लियर, कोई डाउट, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो तो हम मूव करते हैं अपने एक और अच्छे अगले क्वेश्चन। अब देखो आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको अगला क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं, जरूरी नहीं है आपसे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको दे ही सी ले रहा हूं कि आपसे ना हो, मैं बोल जाता हूं, जैसे मैंने अभी बोल दिया कि 4 क्वेश्चन हो गए तो 5th क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए, वो कंपल्सन नहीं है, मतलब वो नहीं होगा, हो सकता है ऐसा ना हो, तो मैंने खुद ही क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं ताकि आप वो गलतियां करो जो मैं चाहता हूं। बस वो एक बार गलती एक बार हो गई, अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, यही तो सीखने का प्रोसेस होता है। अब आपने ये क्वेश्चन देखा आज, अब यही गलती आप दोबारा कर दो किसी और क्वेश्चन में, तो फिर इस क्वेश्चन को करने का कोई सेंस नहीं रहा। ठीक है, तो मैं चाहे यहाँ 5 क्वेश्चन कराऊँ चाहे 8, हो सकता है आपसे लाइन से एक भी क्वेश्चन ना हो, हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन हो कुछ क्वेश्चन ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने लिए इसीलिए डिजाइंड इसी तरीके से है कि आप इनमें गलती करके सीखो और आगे कभी इस गलती को रिपीट ना करो। चलो तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जरा इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ हो सकता है सिंगल करेक्ट ही है, देख लेना अगर आपको लगता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो तो, मान लो मल्टीपल है क्या बोल सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ चीजें देखनी है, पहले तो क्वेश्चन देख लो, रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या चेक ही नहीं किया है, एक कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अब देखो विच ऑफ द इंडिकेटर रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा इसका, माइनस में आएगा नेगेटिव आएगा, तो पक्का है कि इसका डेल्टा एच नेगेटिव है। अब आप देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो डेल्टा एच की कुछ वैल्यू होगी, इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा एन जी निकालो कितना आएगा, 1 + 1 = -4 - 2 आ जाएगा। आएगा ध्यान देना, डेल्टा एच इज इक्वल टू हो गया डेल्टा यू माइनस 2 RT। इस टर्म को इधर भेजें तो बताओ डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा एच प्लस 2 RT होगा। अब आप देखो ये डेल्टा एच कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, उस नेगेटिव वैल्यू में एक पॉजिटिव टर्म ऐड हो गया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई है ना, मोर पॉजिटिव वैल्यू हो गई, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा आएगी। हाँ अगर ये मैग्नीट्यूड पूछता तो फिर अपना आंसर क्या हो चुका होता, उल्टा हो चुका होता। सही है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, वर्क का भी चेक कर लो, बताओ इस प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। तो देखो इधर गैसेस के 4 moles थे, इधर कितने हैं, 2, 4 से 2 जा रहे हो, वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है, इसने क्या बोला है, नेगेटिव, ये ऑप्शन सही नहीं है। हीट बताओ, हीट तो रिलीज हो रही है ना प्रोसेस में, तो क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, और कोई ऑप्शन सही नहीं है, अपना एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, तो एक और छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करना था। अभी और क्वेश्चन है, ये देखो एक और क्वेश्चन जो आपसे एक नई कंडीशन यूज करवाएगा, इसे भी आप ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें।
चलो इसको तुम साथ में सॉल्व कर सकते हैं, मुझे गाइड करते जाओ, बताते जाओ क्या क्या करना है, बताओ। वन मोल आइडल गैस है 2 ATM 3 लीटर स्टेट वन से 2 ATM 7 लीटर स्टेट टू में जा रहा है, तो देखो साफ साफ दिख रहा है 2 ATM 2 ATM प्रेशर कॉन्स्टेंट है, 3 लीटर 7 लीटर क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। बताओ रिलेशन क्या यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, सही है। चलो बताओ भाई वैल्यूज बताओ, मुझे डेल्टा एच तो निकालना है इज इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना है 30 लीटर ATM, वेरी गुड, यूनिट्स का ध्यान जरूर रखें, देखो आंसर भी लीटर ATM में देना है, प्लस प्रेशर कितना 2 ATM और चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया ना 7 - 3 कितना हो गया 4, क्या कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, 30 + 8 बताओ आंसर कितना आ जाएगा 38 ATM इंटू इट, चिल्लर सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको कंडीशन रख के वैल्यूज प्लेस करनी थी, कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। चलो तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, अपना इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, अभी 2 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश करेंगे, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बट फिर भी पढ़ो एक बार क्वेश्चन। ये O2 गैस लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट ठीक से नहीं बनाया, और ये बन जाएगा 2CO2 गैस। हाँ वेरी गुड, साफ साफ दिख रहा है, देखो इन अ 10 लीटर रिजिड वेसल, रिजिड बोल दिया ना मतलब वेसल का वॉल्यूम तो बदल ही नहीं सकता है, एट 500 केल्विन टेम्परेचर दिया, इनिशियल प्रेशर इज 70 bar एंड आफ्टर द रिएक्शन इट इज 40 bar, साफ साफ दिख रहा है भाई प्रेशर बदल रहा है, बताओ अब हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, समझ में आ रहा है ना, तो अलग अलग रिलेशन रटने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी ध्यान रखो और कंडीशन अपने आप बना लोगे। चलो क्या दिया है, डेल्टा एच दिया है कितना -560 kJ, क्या निकालना है डेल्टा यू प्लस वॉल्यूम कितना बताओ 10 लीटर, डेल्टा पी कितना 70 से 40 माइनस 30 हो जाएगा ना, फाइनल 40 70, यूनिट क्या आएगी बार इंटू लीटर, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो कितना हो गया माइनस 300 बार इंटू लीटर को बदलो जूल में, तो एक बार इंटू लीटर कितना होता है 100 जूल, और किलो जूल के लिए क्या करोगे इसको आप डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो देखो 30 से 30 गए 30 बचा, 30 उधर जाके प्लस 30 हो गया, तो डेल्टा यू की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी -530 kJ, समझ में आ रहा है, तो एक और रिलेशन अपना काम में आ गया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्या बदल रहा है प्रेशर चेंज हो रहा है। चलो तो आज के लिए अपना लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिमाग लगाएं और बहुत ही अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आपके सही आने की प्रोबेबिलिटी है 0.001, कितनी है 1/1000, अब आप मुझे गलत प्रूव करो और इस क्वेश्चन का सही आंसर लेकर आओ, आपको आंसर ही बताता हूं, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, अब आप इसका सही आंसर लेकर आओ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ सिखाएगा इस क्वेश्चन को, ना दो तरीके हैं आपके पास, तरीका नंबर एक पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये आपको रिएक्शन लिखकर डेल्टा एच दिया हुआ है -3271, बताओ यहां पर इस बेंजीन के कितने मोल काम में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब इसका 1 मोल काम में आएगा तो इतनी हीट रिलीज होनी चाहिए, ठीक है, अब बताओ यहां कितना काम में आ रहा है 1.5 मोल ऑफ बेंजीन काम में आ रहा है ना, तो बताओ इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1.5 × -3271 kJ, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू शायद -4906.5 kJ आ जाएगी, वो आप देख लेना, ठीक, अब आपको डेल्टा यू निकालना है, ठीक है, तो बताओ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, अब ध्यान देना डेल्टा यू तो आपने निकालना है, तो यहां से डेल्टा यू को आप लिख दो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी,
ध्यान देना, डेल्टा एच तो कितना हो गया माइनस 4906.5 किलो जूल माइनस। अब बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, ये लिक्विड भूल जाओ, ये 6 7.5, डेल्टा एनजी कितना आ गया माइनस 1.5। लेकिन ये माइनस 1.5 कब आ रहा था, जब ये खुद कितना है 1 मोल, ये कितना है अभी 1.5 मोल। तो अब जब ये 1.5 मोल है तो बताओ डेल्टा एनजी कितना आएगा, डेल्टा एनजी फॉर 1.5 मोल बेंजीन C6H6 कितना हो जाएगा, जितना एक मोल का आ रहा है उसे 1.5 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 2.25। यहाँ पे आप लिखो 2.25, हाँ माइनस साइन और आएगा साथ में, इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर 300, इसको डिवाइड कर दो 1000 से ताकि ये किलो जूल में आ जाए, वैल्यू निकाल लो, आपको अपना आंसर कितना मिल जाएगा माइनस 4900.88 किलो जूल। ये है मेथड नंबर 1। मेरे पास आपके लिए मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 क्या है, हो सकता है आपको एक क्लिक ना करे कि इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो जो नॉर्मल आपने सीखा है वैसे ही करो भाई। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस रिलेशन को आप डायरेक्ट यूज करो, डेल्टा यू इक्वल टू हो गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी, माइनस 3271 किलो जूल माइनस। बताओ डेल्टा एन जी आर टी, अब डेल्टा एन जी कितना है, वेव आपने निकाला माइनस 1.5 है, भूल जाओ नीचे 1.5 मोल, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इंटू आर की वैल्यू वही 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे किलो जूल में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से डेल्टा यू की वैल्यू कुछ आएगी, कितनी आएगी मैं भी आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। अब ये जो डेल्टा यू आया ये आपने किसके बेसिस पर लिखा है, इस रिएक्शन के बेसिस पर लिखा है। बताओ यहां बेंजीन कितना काम में आ रहा है, 1 मोल, तो जब 1 मोल बेंजीन काम में आता है तब डेल्टा यू इतना आना चाहिए, सही है। तो बताओ आपके पास कितना काम में आ रहा है, तो फॉर 1.5 मोल बेंजीन डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वैल्यू को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इसे कॉपी करो, मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं कैलकुलेट करके। चलो तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगी माइनस 3267.25, ठीक। लेकिन ये वैल्यू कितने मोल्स के लिए आएगी, फॉर 1 मोल। और जैसे ही आप इसे 1.5 मोल के लिए निकालोगे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 4900.88 के। तो जो तरीका आपको समझ में आता है वो आप यूज करो। कभी अगर रिएक्शन के अलावा कुछ मोल्स दिए हैं तो उन मोल्स को कंसिडर करना बिल्कुल मत भूलना, वो आप भूल गए तो अपना आंसर गलत करेगा। देखो सारी तैयारी है इस क्वेश्चन में, आप जो जो पॉसिबल आंसर्स निकाल सकते हो गलती करके वो सब यहाँ दिए हुए हैं। कुछ लोगों का आंसर ये भी आया होगा, कुछ लोगों का आंसर ये भी आया होगा, है ना। और सही आंसर कौन सा है आपका, बी, जब आप इसके गिवन मोल्स को कंसिडर करोगे। तो ये था आपके पास रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। आप सोचो मैंने पूरा लेक्चर आपको सिर्फ ये रिलेशन यूज करने पर मतलब स्पेंड कर दिया, ये सिखाने पर, इसीलिए क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई में पूछा गया है और कई बार आगे भी पूछा जाएगा। इस रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है और बड़ी आसानी से आपको इसके अंदर फंसाया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस की आप दोबारा प्रैक्टिस करें, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस हैं आप उनकी भी तरीके से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर, हम आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, तो आप समझ ही गए होंगे अब तो एंडिंग का समय आ गया है। तो आज हमने क्या सीखा कि एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी होता है, तो हमने डेल्टा एच डेल्टा यू दोनों को रिलेट करना सीखा और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम मूव करेंगे अपने अगले पार्ट पर, दैट इज थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, अब हम उन प्रोसेस को एक एक करके एनालाइज करना शुरू करेंगे और जो भी चीज़ को हमने सीखा है वो सब का सब वहाँ पर एज इट इज काम में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।